हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनो ज़ोन। गाइस, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी के एक और नया स्टेज था तुम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उस वॉलनट को, जिसे आप लोग आलू भी कह सकते हो, बट ये वॉलनट थोड़े बड़े साइज का। और यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि जो भागते हुए आते हैं रोड लेके, वो इसको टाप नहीं पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या ये सच है या फिर झूठ, या फिर वो लोग इसको टाप चाहते हैं। भाई कुछ भी चांसेस यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ज़ॉम्बी से भाई तो मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। ज़ॉम्बी आपकी एक्स की तरह है, जो कि आपसे कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, बट आपको छोड़ के चली जाती है। भाई तो एक्स की तरह ज़ॉम्बी से भी सावधान रहें, दोनों ही कमीने हैं। अब भाई यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने कर दिया है आना स्टार्ट, इसलिए हम लोग ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए, अपने पास कद्दू तो है ही नहीं इस बार, और भाई भाई मैं तो भूल गया, बट कोई बात नहीं, काम करते हम लोग यहाँ पर लगा देंगे आलू, वरना मिर्ची तो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई रिस्क तो है देखो, और मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट तो कर लेते हैं भाई, पर मैं बता रहा हूँ आगे चल के ना ऐसी ऐसी स्टेज जरूर आने वाली हैं जहाँ पर हम लोग इनको रोक ही नहीं पाएंगे। तो जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये जो दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ दिख रही हैं, जो ये गाड़ियाँ फटी जानी है भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये होगा ही होगा, क्योंकि भाई हम लोग हर बार सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखो कभी ना कभी ऐसा होगा कि ज़ॉम्बीज़ का जो परला है वो हमसे भारी पड़ेगा, और आपके जीना भाई की जान ले ली जाएगी। मेरे भाई लगाते हैं एक और पत्ता। अब देखो यहाँ पे ज़ॉम्बी आ रहा है, इसको मैं मार ही नहीं सकता, कहाँ से मारूँ, 300 सनलाइट में बस है नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, और पत्ता मैं आगे लगा नहीं सकता ना, मेरे पास यहाँ पे कद्दू वाला कार्ड है, तो भाई क्या लगाऊंगा मैं, आलू ही लगाऊंगा, खाऊंगा मैं आलू, आलू खाता रहेगा मस्त। इसका खुद देखो, मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई, और मेरे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे लगाना आलू ही है। और आलू को लगा के देखो, ऊपर वाले लगाऊंगा आलू, और फिर बाकी जो नीचे से दो आ रहे हैं इनको, तो हम लोग यहाँ पे इस मिर्ची से मार सकते हैं किसी एक को, बट तब भी रिस्क है ही है, पता है आप। देखो क्या करना है हम लोगों को, हम लोग खुला छोड़ देंगे, तो हम लोग इनको सनफ्लावर्स खाने दे सकते हैं, अपने पे ऑप्शन है ये, ठीक है, क्योंकि नीचे जो एक आ रहा है मैं इसको कैसे ही मार लूँगा भाई, है ना, समझ रहे आप लोग बात को, यार मैं आलू लगा लिया यहाँ पर, अब जो ये नीचे आ रहा है मैं इसको कैसे रोकूंगा। अगर मैं यहाँ पर अपना 325 का पौधा लगा भी देता हूँ, लगा के देखूँगा आप लोगों को, भाई बचेगा ही नहीं, लगाएगा कुछ फ़ायदा नहीं, खा जाएगा ये, यानी कि हमारी नीचे की जो ये गाड़ी है तो अभी की अभी यूज़ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी ध्यान देना चाहिए सिर्फ सनफ्लावर्स लगाने पर, और सनफ्लावर्स लगा के देखो खा जाए, उसको खाना ही खाना है देख लो, क्योंकि इस समय हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर, तो टेंशन नहीं लेनी है, गेम का भी एक सिनेरियो है, तभी गेम के अंदर आप लोगों को भाई ये 6 गाड़ियाँ दी गई हैं, क्योंकि डे डेवलपर्स को पता है यहाँ पर कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आप लोग फंस ही फंस जाओगे। अब मैंने लगा दिया उस बड़े वाले आलू के पीछे अपना ये 3 मुख वाले प्लांट, ये उसको मार देंगे, ठीक है। ये देखो मर गया, वो गाड़ी यूज़ हो गई हमारी, लेकिन एक खतरा अब ये है कि अगली बार जब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उस तरफ से आ जाएंगे, तो भाई वो मेरे घर के अंदर घुस जाएंगे, अब मैं उनको रोक नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे यही पंगा है सबसे गंदा। अभी देखो भागता हुआ आ रहा है, अगर मैं लगा दूँ यहाँ पर आलू तो ये फिर आ नहीं पाएगा, ठीक है, बट हमारा काम अभी यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं सिर्फ अपने सनफ्लावर लगाने पे भाई, ठीक है, क्योंकि गाड़ी तो इनको देखो मार ही देगी। ये गाड़ी गई, ख़त्म किया दोनों को, ये सेव गया। अब हम लोगों को क्या करना है ध्यान से सुनो, यही मौका है कि हम लोग अब यहाँ पर सनफ्लावर्स लगाएं, और पहले हम लोग यहाँ पर अटैकिंग वाले पेड़ लगाएं, समझो डिफरेंस को यहाँ पर, तो ये टैक्टिक्स समझो भाई यहाँ पर, जब तक आप लोग यहाँ पर टैक्टिक्स समझोगे नहीं, काम नहीं चलने वाला गेम के अंदर। अब यहाँ पर देखो पानी की तरफ से आ रहा है, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर पानी की तरफ से सबसे पहले, और पीछे की तरफ अपना एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं लगाऊंगा सनफ्लावर्स। मारा इनकी भेड़ का नमन, बहुत ही शानदार हमला करो भाई। ये ज़ॉम्बीज़ मतलब ऐसे चतुर हैं कि भाई ये देखो पानी में आ नहीं सकते थे, तो भाई साहब ये सेफ्टी ट्यूब पहन के आ गए, नॉर्मल मर रहे थे तो ये टोपी लगा के आ गए, उल्टी बाल्टी पहन के आ गए, हमने आलू लगा दिया तो भाई साहब रॉड लेके आ गए कूदने के लिए, और हमने उसको रोकने के लिए यहाँ पे बड़े आलू लगा दिए, तो भाई यहाँ पे ये बर्फ़ वाली गाड़ी लेकर आ गए। मतलब ज़ॉम्बीज़ में इतना दिमाग, मतलब समझ रहे हो, मुझे तो किसी दिन IIT पास कर लेंगे ज़ॉम्बी यहाँ पर। ये देखो भाई नया सीन चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं झंडे वंडे, डॉल्फिन डॉल्फिन पे बैठ के आ रहा है ज़ॉम्बी मेरे भाई, हद कर दी आपने, मतलब आप लोग सोच सकते हैं अभी अभी जिंदगी के अंदर कभी भी मैं यहाँ पर कि ज़ॉम्बीज़ जो है भाई डॉल्फिन के ऊपर बैठ के आने वाले हैं मतलब भाई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ कर रखी है एकदम भाई। अब देखो यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं भाई, इनको कैसे मारूँ, है ना, अपने पे पौधे के लिए यहाँ पे 325 पौधे, मतलब हमारे पास यहाँ पे इतनी सनलाइट तो है नहीं, तो क्या करेंगे भाई, हम लोग आलू लगाएंगे, और हम लोग यहाँ पर सनफ्लावर 2 लगा दूँ बस मैं यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ पर इतनी सनलाइट इकट्ठी हो जाएगी कि मैं अपने जो यहाँ पर 3 शूटर वाले प्लांट्स हैं इनको लगा पाऊँ, ठीक है। एक और, बस एक और चाहिए हम लोगों को, और जैसे हम लोग यहाँ पर एक और लगा देंगे अपना काम। देखो अब मुझे यहाँ पे भाई पौधा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे वो 3-3 लौंडे खड़े हैं, अब ये 3-3 लौंडे आलू खा रहे हैं,
तो भाई आलू तो क्या, आलू के पप्पा को भी खा जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इस समय भी इनको नहीं मारूंगा, नहीं बेटा लगता है मुझे मिर्ची लगानी पड़ जाएगी, ऐसे मरेंगे नहीं। बस फिर ट्राई करके देखते हैं, अगर बाई चांस यहाँ पर नहीं मरेंगे ना ये, तो भाई मैं लगा दूँगा मिर्ची, मैंने कसम खा रखी है भाई साहब। रेडी, लगा दूँ मिर्ची, लगा दूँ क्योंकि भाई ये मरने नहीं वाले, ऐसे मुझे दिख गया यहाँ पर। हटाओ तुम्हारी, अब ठीक है। देखो अब पूरी गेम हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारे पास यहाँ पर सनलाइट का बहुत ही तकड़ा एकदम करारा सोर्स है भाई। तीन तीन रोज के सनफ्लावर से हमें सनलाइट मिलती रहेगी, पौधे अपने अटैक करते रहेंगे और उनके आगे में लगाऊंगा जलने वाला, ताकि अपने जो मटर के दाने हैं भाई वो जलते हुए जाए, ज़ॉम्बी से कपड़े पर सब जला दें भाई सब। चैडियों में इनके आग लगा देंगे, इनके चैडियों में हम आग लगा देंगे। चलो आ जाओ। और भाई ये जो बीच में आलू दिखा है, हम लोग इस आलू को भी हटा ही देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भाई यहाँ पर जलने वाला ही आने वाला है। आ गया रोड लेके इसकी, तो रोड में इसी में डाल दूंगा किसी ने गुस्से में आके मेरे भाई। ये ज़्यादा होशियारी नहीं है बेटे, हर बार तुझे लग रहा है कि तू यहाँ पे ऐसे कूद के निकल जाएगा, तो भाई हर बार तो ऐसा नहीं होगा मेरी जान। अब यहाँ पे उल्टी बाल्टी आ चुकी है, बट यार उल्टी बाल्टी चलो ठीक है, हमने वैसे भी यहाँ पे आलू लगा रखा है, तो ये उल्टी बाल्टी जो है आलू को तो भाई मतलब खाने में बुढ़ा हो जाएगा, ज़माना निकल जाएगा इसमें खाने में। तो यहाँ पे हम लोग मतलब सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल ही है, इसके मरते मैं यहाँ पे ना वो आलू हटा दूंगा और जो बाकी अपने कार्ड से हम लोग लगाना शुरू कर देंगे यहाँ पे दोबारा से, ठीक है। अबे ओ कहाँ 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 आ रहा है बेटे इसकी, तो क्या मरेगा नहीं मरेगा। अबे यार नहीं 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 देख रो, अगर मैं यहाँ पे अपना चिली कार्ड नहीं लगाता तो भाई ये तो मतलब खा जाता सब कुछ। कोई ना टेंशन की आए बात, यहाँ पर अपने लौंडे तैयार है भाई। गाइस देख रहे हो हमने यहाँ पर कितनी ही धमाकेदार लेवल की सिक्योरिटी कर रखी है कि ये ज़ॉम्बीज हमको मार ना पाए। दोबारा गाड़ी लेके आ गया, जलाओ उसकी गाड़ी पे, मारो फटके, मार मार मार। अबे यार उसकी गाड़ी फटेगी नहीं फटेगी। ओ बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया, मारा इसकी तो। ओ नहीं 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 नहीं, ओ उसने मार दिया। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर ना अपना किसी एक सनफ्लावर डाल मुझे लगाना पड़ेगा आलू। कहाँ बचे हैं भाई। वो देखो वो आलू खाता हमारा, फिर दो सनफ्लावर्स खाता, भाई सीधा घुस जाता ना घर के अंदर, मुझे खा जाता है यहाँ पर। तो गाइज सतर्क रहें, सावधान रहें, ज़ॉम्बीज को हल्के में ना लें। अगर कभी आप लोग यहाँ पर रात को सो जाएं, आप लोगों को ज़ॉम्बीज दिख जाएं, तब भाई साहब लड़ने मत जाना, जान ले लेंगे आप लोग की, चुपचाप चद्दर ओढ़ के सो जाना। अब बाल्टी वाला भी खा रहा है यहाँ पर आलू को, और नीचे से भी इनके लौंडे आ रहे हैं, ट्राई करते क्या पता हम लोग इनको मार पाएं। अब मुझे ना इसके आगे यहाँ पर एक आग वाला लगाना है। अब ठीक है, ये दोबारा आ गया, इस बार तो मैं इसको भाई मिर्ची से जला ही दूंगा, ठीक है, इस बार नहीं छोड़ूंगा इसको भाई। मैं बहुत देर हो गई इसको मैं बकवास करते हुए। अबे यार ये डॉल्फिन में बैठ के दोबारा आ चुका है भाई। अबे भाई माफ़ कर दे डॉल्फिन को यार, हट तेरी, मार दिया। अबे तो यार इनकी अभी फाइनल वेव भी आनी है लौंडो भाई। ये राउंड बहुत लंबा खिंच गया, ये राउंड तो इनका भाई सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच चुका है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भाई। अबे तू तो डॉल्फिन पे आया, भाई दो डॉल्फिन कहाँ थे। नहीं 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 नहीं, डॉल्फिन पे कहाँ से बैठ बैठ के आ रहे हो, जला मार 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 मार। नहीं मार दिया, बच गए। आए दो लौंडे आ रहे रोड पे बैठ के, इनकी तो क्या लगाऊँ, आलू लगा दूँ क्या मैं, लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं क्या मर जाएगा, टॉप गया भाई टॉप गया, बट मार दिया। ओ लौंडो अब आएगी इनकी फाइनल वेव। याद कर ले अपने भगवान को भैया, आपका जो भी भगवान को आप लोग मानते हैं भैया, उनको याद कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अब ज़ॉम्बीज अत्यधिक अत्यंत तुरंत झमुंडा करने वाले हम लोगों को भाई यहाँ पर। ओ मुझे तो भाई अपनी मौत दिख रही है आज यहाँ पर। गाइस प्रार्थना करें आपके जीनो भाई के लिए कि हम लोग यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज को मार पाएँ, क्योंकि मुझे तो भैया लग रहा है कि आज इनका हारने का कोई मन ही नहीं है। गए मर गए, अगर मैंने यहाँ पे पीछे तरफ मिर्ची नहीं लगाई तो हम लोग मरे ही मरे भाई। क्यों ना मैं एक पत्ते के हटते ही सबसे पहले यहाँ पे लगा दूँ आलू और पीछे लगा दूँ मिर्ची। देखो ऊपर जा रहा है बाल्टी वाला भाई सिर्फ मिर्ची से ही मर सकता है, हालाँकि जो बाकी पौधे हैं मर जाएंगे इससे, ठीक है। अब ये आलू खा रहा है, अगर यहाँ पर बाई चांस ऐसा होगा कि नीचे वाले नहीं मार पाएंगे तो हमने लगा देंगे नीचे मिर्ची, बट अगर यहाँ पे वो मिर्ची के बिना ही काम चल जाएगा हम लोगों, तो भाई हम लोग यहाँ पर ऊपर आलू को ही खाने देंगे इसको, क्योंकि टाइम बहुत है, ठीक है। अब ये तो भाई सिंपल ज़ॉम्बी है, तो हम लोग लगाएंगे एक मर गया भाई साहब। हो भाई ये राउंड बहुत मुश्किल था, और गाइस आगे राउंड ऐसे ही आने वाले हैं अब तो। हमको दिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग भाई, चिट्ठी भेजिए ज़ॉम्बीज, हेलो वी हर्ड यू वर हैविंग अ पूल पार्टी, वी थिंक दिस इज़ फन, विल बी राइट ओवर। ज़ॉम्बीज कह रहे हैं तुम्हारी पूल पार्टी में आएंगे, नाचेंगे गाएंगे जुएंगे। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.